अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां ईंधन की होती कमी और बढ़ती महंगाई को लेकर आए दिन कार्यक्रमों का आयोजन कर इनके बचाव और प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाता है। शासन प्रशासन का प्रयास है कि प्राकृतिक गैसों का उपयोग किया जाए। प्राकृतिक चीजों का दोहन करने से ना तो उनमें कमी आती है और ना ही भविष्य में कम होने की संभावना है। इसी को लेकर इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा सीएनजी के उपयोग के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर मनोज पुष्प, आरटीओ मनीष त्रिपाठी की मौजूदगी में लोगों को जागरूक किया गया। आइए सुनाते हैं इंडियन ऑयल कारपोरेशन के पदाधिकारियों का इस मामले में क्या कहना है। तो भारत जैसे देश में जहां ऊर्जा हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर आधारित थे, हम सारी ऊर्जा विदेशों से लगभग खरीद रहे थे। 80% उपयोग जो डीजल पेट्रोल आप देख रहे हैं, इसका 80% हम खरीद रहे थे। ये 80% खरीद को कम करने के लिए, इंपोर्ट कम करने के लिए सरकार ने यह विकल्प चुना कि गैस जो हमारे पास डोमेस्टिकली घरेलू उपयोग जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको क्यों ना उपयोग में लाया जाए। तो अभी तक जो प्राकृतिक गैस को हम एलपीजी के रूप में उपयोग करते थे, इसको कहीं ना कहीं प्राकृतिक गैस से हम कन्वर्ट करते थे एलपीजी में, और एलपीजी उपयोग में ले रहे थे, सीधे नेचुरल गैस उपयोग में नहीं ले पा रहे थे। तो इसका सबसे पहला कारण जो बना वो था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि आयात को कम करें। हम जो विदेश अपनी पूंजी विदेशों में भेज रहे हैं, उस पूंजी को अपने यहाँ घरेलू उपयोग में लें। तो नेचुरल गैस को सीधे उपयोग में लाने का सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नेचुरल गैस को हम सीधे उपयोग में नहीं ले सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, इसके लिए पाइपलाइनें बिछानी पड़ेंगी जहां इसका नेचुरल गैस का सोर्स है और जहां इनके उपभोक्ता गण है। जैसे रीवा शहर है, रीवा शहर में आप उपभोक्ता हैं, मैं उपभोक्ता हूँ, तो आप तक नेचुरल गैस कैसे पहुंचे, उसके लिए पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। तो पूरे देश में लगभग सभी जिलों में इस तरह की परियोजनाएं चल रही हैं कि उपभोक्ताओं के घर तक नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाई जाए। अब ना आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा खर्च करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसका उपयोग होना चाहिए। उपयोग क्यों नहीं हो पाता, हम आपकी जानकारी के कारण, कि हम उस जानकारी में नहीं है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इसको कैसे उपयोग किया जाए। उसके लिए हम लोग कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम, 1-to-1 बातचीत, सरकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात आप तक पहुंचाते हैं कि नेचुरल गैस का उपयोग किया जाना चाहिए। सीएनजी की 2-3 जगह बैठकें हुई कलेक्ट्रेट में, तो हमारे मन में ये बात आई थी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, इनको जमीन उपलब्ध कराने की चीजें, जो इनके पंप बन रहे हैं, उन सब पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे सफल होगा, जब तक यूजर्स के मन के सारे एप्रिहेंशन दूर नहीं हो जाएंगे तब तक इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं। पर्यावरण के लिए अच्छा है ये सबको पता है, लेकिन बहुत और भी चीजें हैं जो पर्यावरण के लिए अच्छा है, लेकिन हम अपनी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसको प्रायोरिटी देते हुए, केवल इसलिए कि पर्यावरण के लिए अच्छा है, हम साइकिल से या पैदल ऑफिस नहीं जाते। हम उस ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ मैच करते हैं। तो हमने जब इस वर्कशॉप की बात कही थी तो इनको यही कही थी कि हम पर्यावरण को अच्छा है ये बात सबसे नीचे रखेंगे, और ये आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में भी फायदेमंद है, इसको सबसे ऊपर रखें, क्योंकि आप उपयोग तभी करोगे। महाराजा पब्लिक स्कूल के पास ये लग्जरी थी कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन सभी ऑटो चालक के पास ये लग्जरी नहीं है कि वो इस एक्सपेरिमेंट में आपका साथ दे। वो तभी देंगे जैसा उन्होंने कहा कि रेट्रोफिटिंग के लिए कोई लोन की व्यवस्था की जाए, नया जो है वो अगर सस्ता रहेगा और उसकी माइलेज बेहतर रहेगी तो वो यूज करेंगे। जैसा महाराजा पब्लिक स्कूल ने बताया कि आपके सीएनजी के अगर सभी जगह पंप खुले रहेंगे और आपको भराने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो जो छोटे लोग हैं वो उसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। लेकिन सीएनजी का विकास कर दें हम और आप उसका उपयोग नहीं करें तो वो भी एक मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम दोनों प्रोसेस को एक साथ करें।
इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था कि हम प्राकृतिक गैस के उपयोग को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाएं कि किस तरह से प्राकृतिक गैस जनहित में है और उपयोगी है। और जैसा आप जानते हैं कि प्राकृतिक गैस सस्ती है, सुरक्षित है, सतत है, इसमें नो कट कैटेगरी है, कभी बंद नहीं हो सकती, और अब सबसे बड़ी बात है कि सर्वसुलभ है, आपके रीवा शहर में उपलब्ध है, रीवा के आसपास के स्थानों में उपलब्ध है, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और नॉर्थ में सभी राज्यों में उपलब्ध है। यहाँ से दिल्ली कोई गाड़ी जाने होगी उसमें सीएनजी की सप्लाई उपलब्ध है। तो सीएनजी सस्ती है, सुलभ है और अनइंटरप्टेड है, इसलिए सभी से आग्रह किया जाता है कि सीएनजी का उपयोग, पीएनजी का उपयोग अधिकाधिक करें। और सबसे बड़ी बात कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, ये आपके शहर को स्वच्छ रखने में मदद रखेगी। ये जो लिविंग इंडेक्स है, आपको जीवन जीने की सरलता, वो उस इंडेक्स में ये आपको बहुत ऊपर ले जाती है, क्योंकि इसमें सिलेंडर रिफिलिंग की झंझट और हर तरह की परेशानी बच जाती है। आप टैप खोलिए, आपको घरों में पीएनजी की सप्लाई मिल जाएगी।